गुजी पर। और आज मैं बताने वाला हूं कि जो आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है या लीग टूर्नामेंट होता है उसका फिक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली इसका फिक्चर ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक आपका साइक्लिक और एक आपका स्टेयर केस। साइक्लिक मेथड के पहले मैं बात करूं, अगर आप मैचेस नंबर ऑफ मैचेस निकालने की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे पास नाइन टीम है तो हमारे नाइन एन है, तो नाइन नाइन माइनस वन अपॉन टू, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आएगा हमारा 36 मैचेस। पर इसमें भी हमारे पास दो मेथड होते हैं कि अगर आपके नंबर ऑफ टीम इवन है तो, या नंबर ऑफ टीम ऑड है तो। अगर नंबर ऑफ टीम आपकी इवन है तो आपका फॉर्मूला आएगा एन माइनस वन, और ऑड है तो फॉर्मूला आएगा सिर्फ एन। सपोज किया मेरे पास नंबर ऑफ टीम फोर है, फोर है तो एन माइनस वन करूंगा तो कितने राउंड आएंगे, थ्री राउंड आएंगे। तो देखो इसका फिक्चर कैसे ड्रॉ करना है कि हमारे पास चार टीम है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि साइक्लिक मेथड में हम क्या करते हैं, जो मैचेस होते हैं उन्हें साइकिल की फॉर्म में घुमाते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने वन को आपको फिक्स रखना है। साइक्लिक मेथड में जो इवन का वाला फिक्चर्स होगा उसमें वन को आपको फिक्स रखना है, और मैंने यहाँ लिखा वन टू थ्री फोर, ठीक है ना। उसके बाद वन का मैच फोर से हो गया और सेकंड मैच थर्ड से हो गया। उसके बाद क्या करना है, फोर आ जाएगा यहां पर, थ्री आ जाएगा यहां पर, और टू आ जाएगा यहां पर, यानी कि साइकिल की तरह घूम गया। फोर कहाँ आ जाएगा, यहां पर, यानी कि वन फोर। थ्री कहाँ आ जाएगा, ऊपर, यानी कि थ्री, और यहां क्या आ जाएगा, टू। तो ये आ गया राउंड टू, फोर यहां आ गया, थ्री यहां चला गया, टू यहां चला गया। उसके बाद वन का मैच होगा थ्री से और फोर का मैच होगा टू से। उसके बाद फिर आप घुमा दोगे, अब क्या होगा, थ्री आ जाएगा यहां पर, टू आ जाएगा ऊपर, और फोर आ जाएगा यहां। तो कैसा बन जाएगा, वन को हमें फिक्स ही रखना है, बन जाएगा वन का मैच टू से और थ्री का मैच फोर से। अब देखो टोटल राउंड कितने हो गए, वन टू थ्री, राउंड तो थ्री हो गए। और अगर मैं एन माइनस वन करूं, यानी कि फोर माइनस वन करूं, तो कितना आएगा, थ्री। यानी कि मैचेस कितने होने हैं, मैच, सॉरी ये राउंड की बात हो रही है। मैचेस का फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ पे एन क्या है, फोर है, फोर माइनस वन अपॉन टू, यानी कि अंदर थ्री आएगा, ट्वेल्व अपॉन टू, यानी कि टोटल मैच होने हैं सिक्स। तो कितने मैच हुए, दो, और दो चार, और दो छः। ये तो साइक्लिक मेथड होता है जब आपकी नंबर ऑफ टीम इवन में हो। लेकिन जब ऑड में होती है तो क्या होता है, ऑड में होती है तो राउंड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका एन, ठीक है ना। अब मान लो मैंने टीम यहाँ पे पांच है ना, तो यहाँ पे कितने राउंड होंगे, पांच राउंड होंगे। लेकिन आप में इसमें जो हमारे स्टीयर, सॉरी साइक्लिक मेथड में जो हमारा ऑड वाला मेथड होता है उसमें सिर्फ एक चेंज होता है कि हमने इवन वाले केस में वन को फिक्स माना था, इस वाले केस में वन की जगह हमारा बाई आ जाता है, और बाकी सारी प्रोसेस सेम रहती है ना। उसके बाद राउंड रॉबिन का दूसरा टूर्नामेंट का होता है हमारा स्टीयर केस। स्टीयर केस में आपका इवन ऑड का झंझट ही नहीं होता, इसमें हमारा एन लिया जाता है सिर्फ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि हमारे पास नंबर ऑफ टीम है कितनी, पांच। पांच टीम होगी तो उसमें क्या होगा, वन का मैच टू से होगा, वन का मैच थ्री से होगा, वन का मैच फोर से होगा, और वन का मैच फाइव से होगा। उसके बाद अगले राउंड में जो वन का मैच ये टू ये हटा देंगे, वन हट जाएगा, उसके बाद टू का मैच थ्री से होगा, फोर से होगा, और फाइव से होगा। फिर टू को हटा देंगे तो थ्री का मैच फोर से होगा और फाइव से होगा। फिर थ्री को हटा देंगे, फोर का मैच फाइव से होगा। यानी टोटल राउंड कितने हो गए, वन टू थ्री फोर। इसमें भी नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू, है ना। टोटल राउंड हमारे इसमें कितने हो गए, एक दो तीन और चार। इस मेथड को स्टेयर केस मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये कुछ स्टेयर केस जैसे डिजाइन बना लेता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।